पहली बारिश की बात कर लेते हैं। गर्मी से तो लोगों को निजात मिली है, लेकिन अपने साथ ये मुसीबत भी लेकर आई है। हरियाणा के पंचकुला से आई तस्वीरों ने कलेजा कंपा दिया। कार में फंसी जिंदगी लहरों के आगे मानो बेकार सी हो गई थी। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से हलचल मच गई। देखिए, नदी की धार देखिए, पानी की रफ्तार देखिए, तीन या चार तस्वीरें सांसें थमा देने वाली हैं। सोचिए और अंदाजा लगाइए कि वो मंजर कैसा रहा होगा जब नदी की उफनती लहरों के बीच एक जिंदगी को बचाने की जंग चल रही होगी। तस्वीरें हरियाणा के पंचकुला और पंजाब के बॉर्डर के पास से गुजर रही घग्गार नदी की हैं, जहां एक तरफ पानी की धार अपनी रफ्तार पर है, उसके साथ ही कार में फंसी एक जिंदगी को बचाने की जंग भी चल रही है। जिस कार को आप पानी में बहता हुआ देख रहे हैं, उसमें एक महिला मौजूद है। रेस्क्यू करने वालों के लिए भी इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं था। पानी की धारा इतनी तेज है कि जमीन पर जमे पैर उखड़े जा रहे हैं। सवाल है कि ये कार और इसमें फंसी महिला आखिर यहां कैसे पहुंची। दरअसल कार सवार महिला अपने परिवार के साथ नदी के किनारे पूजा करने गई थी। नदी के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी गई, लेकिन अचानक से नदी में पानी आ जाने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। परिवार के बाकी लोग तो गाड़ी के बाहर थे, लेकिन महिला गाड़ी के अंदर थी। परिवार के लोग देखते रहे और उनकी आंखों के सामने महिला कार के साथ नदी की धार में बहती चली गई। कुछ समय बाद देवदूत बनकर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने महिला को बचाने के लिए मोर्चा संभाला। उफनती नदी में उतरने से पहले रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने सबसे पहले रस्सियों से खुद को बांधा और फिर शुरू हुई लहरों से लड़ाई। रेस्क्यू टीम ने किसी तरह महिला को कार के अंदर से निकाला। पानी की धार इतनी तेज थी कि महिला को कार से निकालते समय एक बार रेस्क्यू टीम ने भी अपना संतुलन खो दिया था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। महिला समेत सभी लोग सकुशल बाहर निकल आए। फिलहाल सांस की समस्या होने पर गाड़ी सवार महिला को पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से मंडी जिला की सराज घाटी भी काफी नुकसान हुआ है। आधी रात को भारी बारिश से नाले में बाढ़ आने से अफरा तफरी मच गई। सराज के तुंगाधार में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ में कई वाहन बह गए। कुल्लू जिला मुख्यालय के पास दोहरनाला क्षेत्र में शनिवार रात को भारी बारिश के चलते बाढ़ सी आ गई, जिससे करीब दर्जनों वाहन बाढ़ की चपेट में आए हैं। कुछ वाहनों को कड़ी मशक्कत के बाद रात को ही निकाला गया। मॉनसून की पहली बारिश में ही बाढ़ आ जाने से कुल्लू जिले में काफी नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो गर्मी से निजात देने आई बारिश खुद ही कहर बरपा रही है। महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर और गुजरात तक आसमानी आफत बरस रही है। भारी बारिश ने हालात और ज्यादा मुश्किल कर दिए हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अलग अलग जगहों की दुकान मकान सब पानी पानी हो गया है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, पांच जगहों से हरियाणा के गुरुग्राम की ये तस्वीर देखिए, जलभराव की स्थिति यहां पर बनी हुई है। मुंबई में भी सड़कों पर कुछ ऐसा ही नजारा देखा गया। वहीं आसाम के नलबाड़ी की तस्वीर, यहां पर भी जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और महाराष्ट्र अहमदनगर की ये तस्वीर, बारिश यहां पर भी लोगों पर कहर बनकर टूटी। और गुजरात के दाहोद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। और ये आठ अलग अलग जगहों की तस्वीर, अब आठ तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ की भी एक तस्वीर है और एक नई तस्वीर है महाराष्ट्र के सोलापुर की। जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीर भी आप देखिए। इन सभी जगहों पर किस तरह से बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया और साथ ही साथ जलभराव की वजह से परेशानी को बढ़ा दिया, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हालांकि गुजरात के खेड़ा में आप देखिए किस तरह से कोशिश की गई जलभराव से निजात पाने की। खबरों का सिलसिला जारी है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।